नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। मंदिर विवाद हो रहा है, तो जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो है अब अयोध्या सज रही है और अब मथुरा की बारी है, तो इस पर क्या लगता है कि इस पर जो चुनाव आने वाले हैं उसी को लेकर जो है ये सब बढ़ता जा रहा है। देखिए, जिम्मेदारी के अहदे पर बैठे हुए लोगों को मुल्क के कानून का पास और लिहाज रखना उनका अवलीन फरीजा होना चाहिए। इन सब के इल्म में बात होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का जो वर्डिक्ट दिया, जो फाइनल फैसला दिया, उसमें इस बात को वाजे कर दिया कि जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसके अकॉर्डिंगली ही जितनी भी इबादतगाहें हैं वो गवर्न होंगी। लिहाजा अयोध्या के बाद अब कोई भी ऐसा मसला नहीं उठाया जाएगा या जो भी रिलीजियस प्लेसेस की जो पोजीशन उस वक्त थी 1991 में वही बरकरार रहेगी, और उससे अयोध्या को अलग रखा गया था। लिहाजा जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए हैं उनका ये फरीजा है कि कम से कम पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका पास और लिहाज रखा जाए। और इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन के वक्त ही ऐसे इश्यूज उठाए जाते हैं, वो क्यों उठाए जाते हैं ये हमसे बेहतर आवाम जानती है। जैसा कि वहाँ पे धारा 144 भी लगा दिया गया है और वहाँ पे काफी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद कर दिया गया है, तो इससे क्या लगता है कि जो 2022 चुनाव आने वाला है इसको लेकर ये सब किया जा रहा है? देखिए, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि आने वाला इलेक्शन जो है वो जाहिर सी बात है महंगाई के मुद्दे पर, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर होगा, जो आम इंसानों से मुतालिक मसाइल हैं उन पर होगा, और इस किस्म के मजहबी मुद्दों की तरफ आवाम कोई भी तवज्जो नहीं देगी।